मेरा केस यह सीगा कि एक परसन है सार्थक खन्ना नाम तो जो कि कांग्रेस पार्टी नू बिलोंग करते सी पहला ते उन्होंने मेरे नाल एक फेक कमिटमेंट ऑफ मैरिज करके मैनू यूज किया नॉट ओनली फिजिकली फाइनैंशियली इमोशनली सोशली हर तरह तो पिछे कुछ दिन पहला जब उन्होंने डिस्प्यूट होया तो उन्होंने मेरा एक्सीडेंट भी करवा दिता जिस कि मेरी समझो कि बस मैं मौत के मुँह तो वापस आई हूँ बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज ही नहीं हुई हले तक वो अपने पॉलिटिकल लिंक यूज करके क्राइम करते हैं दूजा यूज करते हैं तो कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर जान पहचान है। मेरी अपील तो सीएम सर ही है कि प्लीज़ मेरी सुनवाई इतने तक ही की जाए अदरवाइज उस तो बाद तो फिर तुम समझते हो कि एक इंसान ना उम्मीद हो जाता। भगवंत मान दे वल्लों कल दी तरीक दे विच एक हैल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। इस नंबर दे उत्ते तुसी अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो करप्शन नूं नत्थ पाउण दे लई। जेकर तुहाडे ते कोई रिश्वत लैंदा तां तुसी इस नंबर दे उत्ते कोई भी कंप्लेट कर सकते हो। तो हले 24 घंटिया का समय भी नहीं होया तो इस नंबर दे उत्ते कंप्लेटा आउणियां जारी हो गईयां ने। तो हालां दे विच एक कंप्लेंट पाई गई है एक औरत दे वल्लों। उस औरत दा कहना है कि उसनूं पिछले काफ़ी लंबे समय तो शरीरिक तौर पर उस दे नाल शोषण किया जा रहा है तो जिस दे वल्लों किया जा रहा उसका सीधा सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी दे नाल है। उस व्यक्ति का संबंध कांग्रेस पार्टी दे नाल है। पूरी खबर बारे तुहानूं दस दिंदे हां कि इस औरत ने एक व्यक्ति दे उत्ते दोष लगाए है कि वह पिछले काफ़ी लंबे समय तो इस औरत दे नाल शरीरिक संबंध बना रहा सी। उस तो बाद जदों उस औरत ने विआह की गल की तां ठुकरा दिता। ये औरत पुलिस के कोल भी काफ़ी बार गई पर इसनू कोई जवाब नहीं दिता गया सगों सिर्फ धक्के ही खाने पे। इंसाफ की उड़ीक दे विच दर दर दे उत्ते इस औरत दे वल्लों ठोकरा खादियां गईयां पर हाले तक किसी ने इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं सी जगाई। पर कल जो एक हैल्पलाइन नंबर जारी हुंदा तो इस औरत दे अंदर एक उम्मीद की जिहड़ी आ किरण जाग उठदी है। इसने उस नंबर दे उत्ते अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि पूरी दी पूरी गल उस नंबर दे उत्ते शेयर की गई है। साडी टीम ने इस औरत दे नाल खास गलबात की है कि पूरा मसला है एक बार जान लैने। भगवंत मान जी वालों एक जड़ा हैल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है और तुम देख सकते हो हजे 24 घंटे भी नहीं होए हैल्पलाइन नंबर जारी किए वे कंप्लेंट जगिया ने आनिया शुरू हो चुकिया ने। और सब तो पहली कंप्लेंट लुधियाना की एक महिला की हैगी है जिहड़ा कि सैक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने केस है और लंबे समय तो ये थाने दर दर ठोकर खा रहे हैं और आखिरकार जो ये हैल्पलाइन नंबर जारी होंगे और पहली कंप्लेंट है जिहड़ा कि इन्हां वल्लों जिहड़ी है दर्ज कराई जाती है। पीड़ित महिला साडे नाल मौजूद भी हैगे ने। असी पीड़ित महिला तो भी जानना चाहांगे काल्पिक नाम है मंजू इन्हां दा जी की कहना चाहोगे तुसीं। सर मैं सब तो पहला तो साडे जो सीएम साहब हैं श्री भगवंत मान जी उन्होंने एक रिक्वेस्ट करन लई अज इह गल कह रही हाँ क्योंकि मैं शायद एक बहुत ज़्यादा ना उम्मीद हो चुकी सी इस केस तो रिलेटिड। मेरा केस यह सीगा कि एक परसन है सार्थक खन्ना नाम तो जो कि कांग्रेस पार्टी नू बिलोंग करते सी पहला तो उन्होंने मेरे नाल एक फेक कमिटमेंट ऑफ मैरिज करके मैनू यूज़ किया नॉट ओनली फिजिकली फाइनैंशियली इमोशनली सोशली हर तरह तो मेरा पिछे कुछ दिन पहला जब उन्होंने डिस्प्यूट होया तो उन्होंने मेरा एक्सीडेंट भी करवा दिता जिस कि मेरी समझो कि एक बस मैं मौत के मुँह तो वापस आई हूँ। इन्ना सब कुछ होने तो बाद 20 नवंबर तो मैं मतलब कंप्लेंट फाइल करन लई जगह जगह धक्के खा ले एक्सीडेंट प्लेस सीपी सर एसीपी सर साइबर क्राइम कोर्ट हर जगह जा चुकी हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। रीज़न की सीगा बिकॉज उदी मंत्रियों तक पहुँच है उदी जो भी अप्रोच सीगी उन्हें वो यूज़ की तो उस अप्रोच करके मैं बार बार ये गल कहना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज ही नहीं हुई हले तक। किसी भी केस दे विच FIR नहीं की गई। क्रिमिनल ऑफेंस होंगे या किसी नू सैक्सुअली यूज़ करना फेक मैसेजेस दे के या उन्हों फाइनैंशियली ऑनलाइन बैंकिंग या वो जो है सोर्सिस नू यूज़ करना उस तो बाद एक अटैम्प्ट टू मर्डर होंगे किसी का एक्सीडेंट कराना। इन्ने वड्डे वड्डे ऑफेंसिस के उत्ते भी उस परसन के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। रीज़न पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस। और मैं बहुत इस गल तो सैटिस्फाइड हाँ कि एटलीस्ट सब तो पहला जो कदम उन्होंने वालों चक्या गया यही चक्या गया कि पुलिस की कार्रवाई के विच पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस नहीं होगी। तो मैं हूँ सीएम सर नूं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मैटर नूं देखो
अदरवाइज़ इदा दे जो लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल अपना डेजिग्नेशन यूज़ करके, क्योंकि वो परसन PPCC ट्रेड सेल कांग्रेस का जनरल सैकटरी से, स्टेट जनरल सैकटरी, वो अपने पॉलिटिकल लिंक यूज़ करके क्राइम करते हैं, दूजों यूज़ करते हैं, तो कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर जान पहचान है। सो इस चीज़ में प्लीज़ मद्देनज़र रख के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से थोड़ा जा जोर दिता जाए कि पुलिस दे कार्रवाई दे विचों इंटरफेयर ना करन ते इदा दे क्रिमिनल्स नूं सजा दिती जाए। भगवंत मान जी दा तुसी व्हाट्सएप नंबर तुसी जिहड़ा उत्थे तुसी अपनी कंप्लेंट दायर की है उहदे विच तुसी की लिखिया, उहदे विच की दस्या गया तुहाडे वल्लों जिहड़ा कि सर उस मैटर दे विच मैं व्हाट्सएप कीता सीगा ते विदइन 2 मिनट्स मैनूं रिवर्ट बैक आ गया सी ते कॉल भी आ गई सी। 1100 नंबर है हेल्पलाइन नंबर, उहदे ते कॉल आई सी ते उन्होंने मैनूं इह सारा मैटर पुछया ते UID नंबर्स उन्होंने सारे मेरे तो लिते जो मेरी 3 कंप्लेंट्स दर्ज है। बट उस तो बाद उन्होंने मैनूं कहा कि तुहाडी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, तो उन्होंने सारी डिटेल्स लिखे, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की है जिहदा कि रिवर्ट बैक आ गया मेरे को, हूँ मैं कार्रवाई की वेट कर रही हूँ। बिल्कुल भगवंत मान जी वालों जिहड़ा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि तुसी उत्तों संतुष्ट हैगे हो जिहड़ा कि इस समय जिहड़ा तुहानूं कॉल गई? सर कहिंदे ना डूबते को तिनके का सहारा, तो इत्थे अगर पूरी कश्ती, क्योंकि CM एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा सहारा हुंदा है एक पूरी स्टेट दे लई, एक उम्मीद की किरण जिहड़ी बिल्कुल खत्म हो गई सी उत्थे मैनूं थोड़ी जी आस नज़र आ रही है, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन जदों तक नहीं आता ना तो उन्होंने कोई सैटिस्फैक्शन नहीं होंगी, या जो एक्शन का रिएक्शन देख के मैं बहुत तसली है कि हूँ मेरी सुनवाई जरूर होगी। मतलब भगवंत मान जी के जो व्हाट्सएप उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो काफ़ी उम्मीदा जी जगिया हुई है? बिल्कुल सर, क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव सके उस टाइम सब लोग यही गल कर रहे थे कि भगवंत मान जी आप पार्टी या नहीं आएगी या जो भी सगा वट एवर, बट सारा पंजाब एक चेंज की उम्मीद कर रहा है, चेंज का कारण की सगा, क्योंकि तुम देखिए पिछले कुछ सालों के कांग्रेस पार्टी वालों जो भी लोग सामने आए उन्होंने किदा लोगों को मिसयूज़ किया, पुलिस नूं तां वो लोग इदा समझते हैं जिदा उन्होंने जेब च रखी हुई है, एंड एक्चुअली शायद सिगा भी, तो हूँ पुलिस नूं भी पता चलेगा शायद कोई चेंज आएगा। जाते जाते साढ़े दर्शकों की कहना चाहोगे तुम कि दसना चाहते हो कि तुम इस तो अगला स्टैप की चुकोगे जो भगवंत मान जी तो बाद भी कार्रवाई नहीं होंगी? तो सर पहली गल तो मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हाँ, मैं नहीं सोचती कि ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि CM बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, अगर वो वाकई अगर वो पंजाब नू किसे चंगी जगह पर लेके जाना चाहते तो सब तो पहला भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म होने नाल बहुत चीज़ा चेंज होनगियां। मेरी अपील तो CM सर नू ही है कि प्लीज़ मेरी सुनवाई इत्थे तक ही की जाए, अदरवाइज उस तो बाद तो फिर तुसी समझदे हो कि एक इंसान ना उम्मीद हो जाता है, तो मेरी तो पूरी उम्मीद हूँ CM सर ते ही है। सो एक उम्मीद लैके हुण CM साहब दे जिदा कि इन्होंने भगवंत मान जी वालों एक हेल्पलाइन नंबर जिहड़ा जारी किया गया है, एक उम्मीद जगी है इस महिला नू, पीड़ित महिला नू, और हुण देखने वाली गल है कि इस पीड़ित महिला नू इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय दसेगा, लेकिन एक इंसाफ लैण लई एक जिहड़ी उम्मीद की किरण जगी है एक हेल्पलाइन नंबर जिहड़ा भगवंत मान जी वालों जारी किया गया सीगा, हुण उहदे ते जिहड़ा इन्होंने व्हाट्सएप के उत्ते मैसेज भेजा तो हुण देखने वाली गल है कि आने वाले समय के इन वास्ते कोई कार्रवाई होंगी है या नहीं, तो आने वाला समय दसेगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण के नाल यह महिला जिहड़ी हैगी है हुण तुरी है। लुधियाना तो अभिषेक बैल दे नाल बॉबी नंदा, फैक्ट न्यूज़।